नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने आज हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, कांग्रेस कुमाऊं प्रवक्ता नीरज तिवारी, जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल के साथ कुसुमखेड़ा स्थित आवास पर चुनाव संचालन समिति की बैठक ली। अपना तेज गति पकड़ रहा है और निश्चित तौर पर जनता बहुत बुरी तरह से त्रस्त है हमारे वर्तमान सांसद साहब की निष्क्रियता, जो 5 साल रही है लगातार क्षेत्र के प्रति, जो उनकी उदासीनता रही है उसके प्रति बहुत क्षेत्रीय जनता बड़ा रोष है, आक्रोश है। हमारी खबर का हुआ असर। हमने 2 दिन पहले जनपद रुद्रप्रयाग के घोलतीर बाजार में पंचायती राज विभाग की लापरवाही के चलते कूड़े के ढेर से फैल रही गंदगी की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका संबंधित विभागों ने संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के अंदर पूरा वाहन भेजकर सफाई कर दी है। हालांकि अभी भी नालों में फैले कूड़े को पूरी तरह साफ नहीं किया गया है। आपको बताते चले कि जनपद रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घोलतीर बाजार में पिछले 2 महीनों से कूड़े का ढेर लगा था, जिससे स्थानीय व्यापारियों सहित आम लोगों को भी बड़ी परेशानियां झेलने पड़ रही थी। ये अभी सफाई अभियान चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ मैं कि आपकी वजह से थोड़ा यहाँ पे सफाई कार्य शुरू हो चुका है और आगे भी ये सफाई कार्य चालू रहना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि बद्रीनाथ यात्रा शुरू हो रही है और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, और जो भी ये कूड़ा कबाड़ है या बाथरूम की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे एक बाथरूम होना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे यात्री उत्री रुकते हैं, व्यापारी लोगों के लिए बाथरूम की बड़ी समस्या है यहाँ पे। गर्मी का सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए जंगलों को आग से बचाना एक बड़ी चुनौती होता है, जिसको लेकर वन विभाग पूरी तरह सतर्क है। आग की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए थानो रेंज अंतर्गत वन विभाग द्वारा फायर सेफ्टी अभियान चलाया गया। पतझड़ के दौरान नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते जंगल में बनी फायर लाइनों के लिए बड़ी समस्या है। फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन शुरू हो गया है। आजकल हम मेनली फायर लाइनों की सफाई कर रहे हैं और फायर ड्रिल कार्य कर रहे हैं। तो हमारे ये थानो रेंज में 6 फायर क्रू स्टेशन हैं, प्रत्येक क्रू स्टेशन में 6-6, 7-7 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। आमजन की जंगलों में घुसपैठ और ध्वनि प्रदूषण जंगली जानवरों के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है, जिसको लेकर वन विभाग व दर्जनों संस्थाएं इन जानवरों को बचाने की मुहिम में जुटी है। इसी को लेकर आज थानो रेंज में नेचर बड़ी संस्था द्वारा वन विभाग कर्मचारियों के साथ वर्कशॉप का आयोजन किया गया। ऐसा यहाँ पे नेचर बॉडी से कुछ ट्रेनिंग स्टाफ के आ रखे हैं ट्रेनिंग देने के लिए, तो इनके द्वारा हम एलिफेंट के बारे में बताया गया है, हाथी कॉरिडोर कैसे होता है, कैमरा ट्रैप कैसे लगाए जाते हैं, तो इनके द्वारा विधिवत कर्मचारियों को स्टाफ को एक ट्रेनिंग दी गई है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों द्वारा रोड शो पर पूरी ताकत झोंकी गई है, लेकिन कई प्रत्याशियों के रोड शो में अब खास भीड़ नजर नहीं आ रही है। हालांकि इनके द्वारा दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने आज लक्सर नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो निकाला। मैं पूर्व चेयरमैन जगदेव सिंह जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर आने पर मेरा भव्य स्वागत किया, मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं जो है लोकसभा चुनाव जीत जाऊं।